हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल के आर एडिटिंग। सो गाइज आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। एंड हाँ गाइज आज हम कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड सिंपल वे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके एंड हाँ गाइज एक बात और, आपको ये फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। ओके अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। ओके सो गाइस आपको सबसे पहले इस तरह से फोटो क्लिक करवा लेना। आप सिंपल छत पे क्लिक करवा सकते हैं एंड सिंपल सा है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिंपल सा बैठ जाना है एंड अपने फोटो को अच्छी तरह से क्लिक करवा लेना। एंड इसके बाद हम इसके बैकग्राउंड क्रिएज करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे टूल्स में एंड टूल्स में जाने के बाद फिर क्रॉप पर क्लिक करेंगे, ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके साइज को कम कर लेना है और अपने फोटो को जूम करके इस तरह से आपको सिर्फ अपने फोटो के ऊपर चला लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके सो गाइस हमने बैकग्राउंड को परफेक्टली इरेज कर लिया है, तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। सो गाइस इसके बाद हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और अपने बैकग्राउंड को लेकर आएंगे। सो गाइज आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आप बैकग्राउंड कहाँ से लेकर आते हो, तो गाइज आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। ओके एंड आपको हर बैकग्राउंड पे फोटो एडिटिंग हो सकता है एंड बस आपको इस कंसेप्ट सोचने की ज़रूरत रहती है। ओके सभी बैकग्राउंड को आप मॉडिफाई करके आप अपना फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ओके सो गाइज हमने भी ये बैकग्राउंड को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से बनाया है जो कि आप देख सकते हैं एंड हमेशा की तरह इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इसके बाद यहां से जाएंगे ऐड फोटो में और हम अपने मॉडल जो अभी कट किए हैं उससे लेकर आएंगे ऐड फोटो करके और सिंपली आपको इस तरह से बैठा देना है। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को हल्का कम कर लेते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया उसे इरेज करना है, तो यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके हार्डनेस को फुल कर लेना है फोटो को जूम करके और नीचे का जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो गया उसे सिंपली इस तरह से इरेज कर देना है आपको। एंड इसके बाद हम यहाँ से ओपेसिटी को 100 कर लेते हैं और डन कर देंगे। ओके सो गाइस इसके बाद हम इसमें पैरोट का PNG लगाएंगे, तो ऐड फोटो में जाने के बाद ये पैरोट का PNG लेकर आएंगे, तो सिंपली हम इसे लेकर आते हैं और नीचे से कुछ इस तरह से ब्रा कर देना और अपने हाथों के ऊपर एडजस्ट कर लेना अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ओके सो गाइस हम यहाँ पे एक ट्रिक करने वाले हैं जो कि इरेज करने का ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा, तो सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे और अपने कट किए हुए फोटो को लेकर आएंगे, आपको बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से लगा देना है फुल करके। सो गाइस इसके बाद हम यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इन्वर्ट कर देंगे। ओके अपने फोटो को जूम कर लेना है एंड इसके बाद हार्डनेस को यहाँ से फुल कर देना और बस अपने मॉडल के ऊपर इस तरह से चलाना है आपको। एंड यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। सो गाइस इसके बाद हम इसमें पानी में जो रिफ्लेक्स होता है उसे बनाना है, तो सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद अपने मॉडल को लेकर आएंगे फिर से और इसे अपने फोटो के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। ओके एंड यहाँ से हम जाएंगे रोटेट वाले ऑप्शन पे और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड इसके बाद यहाँ से नीचे कर लेना आपको। ओके अच्छी तरह से आप इसका रिफ्लेक्स बनाइएगा एंड इसके बाद हम इसके शैडो को कम कर लेते हैं 30 के आसपास रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है इसे इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इरेज कर देना। एंड यहाँ से इसे डन कर देंगे। सो गाइस हमारे यहाँ पे पिक्सार्ट का टोटल काम हो चुका है, तो इसमें कुछ कलर करेक्शन करना है, तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में और ड्रॉ टूल में जाने के बाद अपने फोटो को सेव कर लेंगे
एंड सो गाइस इसके बाद हम अपने लाइट रूम की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस हमारे यहाँ पे फोटो आ चुका है लाइट रूम में। सो गाइस आपको लाइट रूम का मॉडर्न वर्जन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके तो सिंपली हम यहाँ से पहले जाएंगे, सन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे। इसके बाद हाईलाइट को 10 कर लेना है। ओके एंड व्हाइट को भी 10 कर लेंगे। सो गाइस इतना करने के बाद यहाँ से थर्मास वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, मिक्स पे क्लिक करेंगे और इसके लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कलर पे जाएंगे और इसके ह्यू को कम कर लेना है एंड लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे। एंड गाइस आपको ये कलर पे जाना है एंड इसके ह्यू को 90 कर लेंगे और लुमिनेंस को भी हल्का इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ से ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके ह्यू को माइनस कर लेना, माइनस 34 के आसपास कर लेंगे एंड लुमिनेंस को हल्का इंक्रीज करना है। और इसके बाद यहाँ से इसे डन कर देंगे। ओके सो गाइस इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ट्रायंगल वाले ऑप्शन पे एंड अपने फोटो में शार्पनिंग को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेते हैं 30 के आसपास और यहाँ से नॉइज डिडक्शन को बढ़ा लेते हैं जिससे हमारे फोटो में जितने भी नॉइज है वो कम हो जाएगा। ओके सो गाइस हमारा यहाँ पे फोटो फाइनली एडिट हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। सो गाइस मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ जो कि आप देख सकते हैं कलर करेक्शन करने के बाद हमारे फोटो में कुछ रियलिस्टिक लुक आ जाता है। एंड सिंपली हम यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।